लेते हैं तो ये कन्फ्यूजन पब्लिक में ना हो, हमारे मीडिया बंधु में भी ना हो कि उस चीज़ का उनको भुगतान किया जाना है जो मानक दर है, और ऐसे ही पात्र गृहस्थी में भी जो गेहूं है 2 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल 3, बाकी आयोडाइज नमक रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और साबुत चना वो निःशुल्क है। तो होगा क्या कि दोनों में कन्फ्यूजन लोग पब्लिक करेगी, जब ये निःशुल्क है इसका मतलब उसका पैसा गलत तरीके से लिया जा रहा है, वो इस बार इसमें कर दिया गया संशोधन। तो इस बात को आप लोगों के माध्यम से अपील है कि मैक्सिमम लोगों तक ये चीज़ प्रसारित हो जाए, और आप लोगों से भी जो आपका चाहे प्रिंट मीडिया हमारा है और चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप लोगों से भी इस बात का अनुरोध रहेगा कि इसको जितना ज़्यादा आप लोग प्रसारित कर देंगे पब्लिक में इस चीज़ की सहूलियत हो जाएगी। और हम लोग कोटेदारों को भी ये डायरेक्शन दिए हैं कि आप अपनी दुकान पे लगाएंगे कि किस चीज़ को गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑर्डर हुआ निःशुल्क वाला कौन सा है पदार्थ और किस चीज़ का किस रेट से उनको पैसा लिया।